बड़ी अपडेट निकल के आ रही है साउथर्न रेलवे चेन्नई की तरफ से। यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक और नए आरटीआई का रिप्लाई आ चुका है। यहाँ पे हम देख लेते हैं इनमें क्या क्या उन्होंने रिप्लाई किया है। तो देखो सबसे पहले हम बात करें कि टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट हैज गॉट, भाई कितने स्टूडेंटों को अब तक ज्वाइनिंग मिल चुकी है, तो यहाँ पे 1709 है। अब भाई प्रॉब्लम क्या है, क्या है मैं आपको बता दूं, यहाँ पे जिस भी भाई मतलब ये मेरे पास आया है आरटीआई, ठीक है, लेकिन उस भाई ने मेरे को इनके जो क्वेश्चंस किए थे ना वो मेरे को सेंड नहीं किए। भाई जिस भी भाई ने ये ऑफिशियल किया था आरटीआई लगाया था, अगर आपके पास आप मेरी वीडियो को देख रहे हो तो आप कमेंट में, ठीक है, आपने जितने भी क्वेश्चंस किए थे ना उनको सबको टाइप कर देना और मैं आपके जो कमेंट है उसको पिन कर दूंगा, क्योंकि भाई सभी स्टूडेंटों की यही वो प्रॉब्लम होती है कि यार आरटीआई के क्वेश्चंस नहीं मिल पाते। तो भाई यहाँ पे आपको जितनी इन्फॉर्मेशन इसमें है मैं उतना आपको बता देता हूँ, आगे की जो भी न्यूज होगी सबसे पहले बताने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे देख लेते हैं, ये इन्फॉर्मेशन है कि भाई अभी तक कितने टोटल कैंडिडेटों को, भाई ये मतलब कैटेगरी के हिसाब से उसने लगाई होगी, जिस भी भाई ने लगाई है, तो यहाँ पे 1709 है, ठीक है। और दूसरे नंबर जो ये अगला रिप्लाई है इसमें उन्होंने कुछ भी नहीं बोला है, और इसका हिंदी ट्रांसलेट करके भी मैं आपको बता दूंगा, टोटल नंबर ऑफ पेपर्स हैज बीन रिटर्न्ड, तो भाई ये इसका 223 ऐसे कैंडिडेट हैं उनके रिटर्न कर दिए गए, ठीक है। आगे हम बात करें टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट हैज नॉट येट ज्वाइन, भाई अभी तक ज्वाइन नहीं किया है इतने, ऐसे कितने कैंडिडेट हैं, तो ऐसे कैंडिडेट हैं यहाँ पे 118। तो भाई बात तो ये है कि स्टूडेंट तो काफी छोड़ रहे हैं, वो जैसे आपने सिकंदराबाद वाली वीडियो में भी देखा होगा कि भाई वैकेंसी तो बहुत खाली होने वाली। मैं आपको बताऊं, अरे यार सभी को अधिकतर है ना 80% लोगों को लोग पहुंचा दिए, स्टूडेंट पहुंचा दिए ट्रैक पर, और ट्रैक पर उन पर दबा के काम ले रहे हैं, तो भाई छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं, जैसा कि आपने सिकंदराबाद वाली में देख लिया ना नोटिस में, और इसमें भी देख लीजिए आप, भाई बहुत जॉन नहीं कर रहे, बहुत छोड़ के भाग रहे हैं। उनका बेनिफिट आपको थर्ड या फोर्थ में देखने को मिलेगा, और जो रिप्लेसमेंट डीवी आएंगे उनमें देखने को मिलेगा। आगे मैं आपको इसका हिंदी ट्रांसलेट करके भी बता देता हूँ, यहाँ पे देख लीजिए भाई आरटीआई का रिप्लाई है, नियुक्ति पाने वाले कुल अभ्यर्थियों की संख्या 1709 है, और सूचना आपके आरटीआई आवेदन में निर्दिष्ट प्रारूप में नहीं रखी गई है, इसलिए कोई जानकारी नहीं भेज दिया गया है। तो भाई इसी तरीके से बोलते हैं, काफी जो मेन इंफॉर्मेशन होती है वो उसको ये आरआरसी वगैरह नहीं देते हैं। आगे हम बात करें कुल वापस किए गए कागजातों की संख्या कितने, भाई 223 ये रिटर्न हो गए। और आगे हम बात करें अभी तक शामिल नहीं हुए अभ्यर्थियों की कुल संख्या 118 है। तो भाई इसके अंदाज से आप अब सोच सकते हो कि सेकंड डीवी, तो मैंने जैसा कि भी बताया है कि भाई आपको बस पेशेंस रखो, आप इसी महीने में आ जाएगी, और भाई अगर नहीं आती है तो हम अगला एक्शन लेंगे ना, भाई कैसे नहीं आएगी सेकंड डीवी यार। काफी स्टूडेंट बोलते हैं मेरे को भाई कि आएगी या नहीं, अरे आएगी क्यों नहीं यार, भाई थोड़ा सा पेशेंस रखो वहां पर, ठीक है ना। आगे हम बात करें भाई, आगे तो यही जो बेसिक इन्फॉर्मेशन दी हुई है, और आगे की जो भी, अगर आपके पास भी कोई आरटीआई का रिप्लाई आता है ना तो भाई आप मुझे व्हाट्सएप पे भेज दो, आप कॉल करते हो यार, कॉल तो मैं अटेंड नहीं कर पाता, लेकिन आपकी जो भी क्वेरी है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे बता सकते हो, आगे की जो भी अपडेट होगी सबसे पहले देने की कोशिश करूंगा। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ।